हम तो द्वारका आओ ने तो ज खबर पड़े के अहीं दरेक जग्या पर कृष्ण ना विविध स्वरूप ना दर्शन थाय छे। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रवता मारी न थोड़ी खोवाणी। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रवता मारी न थोड़ी खोवाणी। तो दोस्तों हमने नहा धो लिया है और हमारा भाई बंद आया है हमसे मिलने, क्योंकि मुंद्रा में ही रहता है भैया, यहाँ का ही है, वो भी इधर आया था। तेरा हाय दोस्तों, तेरा मन। तो अभी हम आए, क्या व्यू है सामने है, लाइट हाउस, फिर और एक चीज है बाजू में, प्रशांत नीचे क्या है, हम सामने इधर हम लोग की रूम की या बालकनी इधर ही है और यहाँ पे सामने शमशान है देखो। तो दोस्तों हम जा रहे हैं ट्रिपल सी टू, सामने गोमती घाट है, यहाँ गोमती घाट है, इतना शुरू है सामने गोमती घाट पे हम जा रहे तीनों, फिर जाएंगे मंदिर पे, आपको गाँव भी छोड़ के आए क्योंकि इस पे चार जन कहाँ बैठते हैं। सामने देखो गोमती घाट है दोस्तों, देखो काका बजा रहे हैं। नानी बैया के रही हरि ने गाड़ी जानकपुर की नानी देखो। तो दोस्तों ये सीढ़ी वाला रास्ता है मंदिर का, यहाँ पे ऊपर पड़ते बंद हुए, हम आगे से चलते हैं, आगे वाले रास्ते से चलते हैं। ये पूरी मार्केट है देख सकते हो आप, ये रहा हमारा प्रशांत वैभव। देखो ये रहा मंदिर, करो दर्शन। दोस्तों अभी मंदिर में फोन और चप्पल पहनना अलाउड नहीं है, इसलिए अभी आवाज बहुत हो रहा है। तो फोन और चप्पल यहाँ पे मन के जो मामा का स्टॉल है वहाँ पे रख दो। यहाँ पे रख देते, अगर आप यहाँ पे आओ तो जरूर एक बार विजिट करना। दोस्तों फाइनली हम दर्शन करके आ गए हैं, एकदम अंदर तो नहीं गए थे लेकिन मतलब बहुत जुगाड़ू हुए से हमने दर्शन किया है आज। हाँ जुगाड़ू हुए से दर्शन किया है एकदम अच्छे से। हम लोग सुबह को जाएंगे 6 बजे तक कोई नहीं होगा। अभी तो भीड़ इतनी थी कि हम धूप में पागल हो जाते, फिर भी भीड़ कम थी आज। यहाँ पे देखो अभी गोमती नदी के पास है, अभी लगी है भूख, कुछ खाया नहीं है सुबह से, कल से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ कोट कचरे खाए हैं। तो अभी खाना खाते हैं, मन तो अभी निकल रहा है मुंद्रा की, हम चलते हैं अपने रूम पे। तो दोस्तों अभी हम वापस आ गए रूम पे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और इतने गर्मी में घूमने की मज़ा भी नहीं आती, तो भूख भी लगी थी, तो हमने खाना ऑर्डर कर लिया जोमेटो से। ये रहा प्रशांत, ये रहा बेबो, दोनों फ़ोन में लगे हुए हैं। तो चलो खाना आते तब तक वेट करते हैं, तब तक मैं थोड़ा व्लॉग एडिट कर लेता हूँ, तो खाना आने के बाद मिलते हैं। 20 मिनट्स लेटर। दोस्तों ऑर्डर आ गया था तो मैं वो देने गया था, अब खाते हैं। ए सी का काम करो, ठक ठक चालू है सबका, अभी हम खा लेते हैं खाना। तो अपना खाना आ गया, पनीर बटर मसाला और रोटियां, बस इतने में हम पेट भर लेंगे आराम से, क्या बोलता है। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, अब आ रही है फुल नींद आ रही है, तो अब सो जाएंगे और शाम को निकलेंगे मार्केट घूमने, द्वारका की मार्केट आपको भी बताएंगे, मज़े करेंगे। तो चलो अभी सो जाते हैं, ये दोनों तो फोन लेके बैठे हैं, सो जाओगे ना। ये देखो चलो सो जाते हैं। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम सब ने नींद एकदम पूरी कर ली है, ज़्यादा ही कुछ नींद कर ली है, और अभी यार क्या व्यू है, मतलब देखो सनसेट होने वाला है, अभी चलते हैं वहाँ पे, उस साइड चलते हैं। और ये आया प्रशांत, चल नीचे जाके मिलते हैं आप सबसे। तो देखो अभी हम कहाँ पर खड़े, क्या व्यू है बॉस, खतरनाक। इधर बैठते हैं, मस्त नेचर का एंजॉय करते हैं, गाने वाने सुनते हैं, मज़ा आ रही है यहाँ पे बैठ के। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भटकेश्वर महादेव, वहाँ अपना फ्रेंड है उससे भी मिलवाते हैं, और आरती होने वाली है तो वहाँ भी आरती के भी दर्शन करते हैं। बस वहाँ पे सामने ही है लाइट हाउस के पीछे,
चलो वहाँ पे चलते हैं और आपको मिलवाते आयुष। दोस्तों ये बेबो थक गया चल चल के यार, क्या बेबो। तो दोस्तों मंदिर पे आ गए, आप देख सकते हैं बड़केश्वर महादेव एकदम दरिया के बीच में। देखो आरती चालू हो गई है यार, चलो जल्दी चलते हैं, चलो अभी टाइम वेस्ट मत करो। दोस्तों हम दर्शन करके आ चुके हैं वापस, अभी थोड़ा नाश्ता वोस्ता। आरती में जो 9 बजा दी है, आरती में जो मजा आई ना, पूरे एक घंटे चली आरती, मजा आ गई आरती में। स्टार्ट हुई थी और हम गए थे इसलिए मतलब लाभ ले लिया आरती का। क्या खाना है देखते हैं, खाना क्या। तो दोस्तों हम मंदिर से आ गए थे, बीच में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, हम खाना खाने में बैठ गए थे, फिर भी फोन की बैटरी लो थी और अभी यहाँ पे आगे हमें फ़ोन चार्ज कर दिया। अभी बज रहे 12:30 और हम सोने की तैयारी कर चुके हैं, मेरा फैशन। तो हम सुबह को कितने 5 बजे उठने वाले हैं, क्योंकि हमें 6 बजे मंगल आरती में जाना है। तो चलो सो जाते हैं, अभी मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सुबह को। The next day। शुभ प्रभात, जय द्वारकाधीश मित्रों। तो अभी है हमारा day 2 द्वारका में और हम अभी सुबह बज रहे कितने 5:30 बजे सुबह के और हम जा रहे हैं सुबह की मंगल आरती में। दो लोग तो सो के यहाँ पे मौका गवा रहे हैं, ये देखो। जय द्वारिकाधीश, क्या व्यू है। मैं तो 6 बजे का घूम रहा हूँ, मज़ा आई एकदम। भले थोड़ी गर्मी हो रही है लेकिन मज़ा आ रही है, यहाँ की मार्केट घूमी पूरी। अभी मैं ध्वज चेंज होगा उसकी राह देख रहा हूँ कब होगा चेंज, क्योंकि अभी लेके तो गए हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि 9 बजे चेकआउट भी करें, अभी 8 बजे है, देखते क्या होता है। अभी अकेला यहाँ पे आया हूँ, देखो यहाँ पे बैठा हूँ, इसका जो साउंड है ना पूछो ही मत, इतनी शांति देता है। चलो बैठता हूँ इधर थोड़ी देर, फिर जाऊँगा वहाँ पे रूम पे, मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं नागेश्वर महादेव की और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, तो हम देख सकते हो हम 3 लोग जा रहे हैं स्कूटी पे, अपनी एक्टिवा पे, हमने एक्टिवा रेंट कर ली है, तो आज पूरा दिन इसी पे घूमने वाले हैं। अभी स्कूटी आप देख सकते हो चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, मिल बांट के चला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड भाईचारा। तो स्कूटी से एक हाथ से मैं चला रहा हूँ, व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ और अभी चलो चलते हैं मंजिल की ओर। तो हम आ गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये रहा मंदिर आप देख सकते हैं और ये रहे शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो अभी चलते हैं अंदर, ये रहे दोनों नमूने। चलो यहाँ पे चप्पलें रख दी है, चल भाई चल, अपना 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्या हुआ। तो चलो मिलते हैं अंदर, अभी थोड़ा गन्ने का जूस पिए। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं, ये देखो त्रिशूल है, फोटो वोटो खिंचवाना है। यहाँ पे अच्छा भीड़ नहीं थी, जल्दी हो गया दर्शन फटाफट। महादेव की कितनी बड़ी मूर्ति है, सब यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं और ये दोनों मेरा मुंह देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो चलो हम भी थोड़े रील के लिए शॉर्ट्स ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे नागेश्वर महादेव दर्शन कर लिए, अब जा रहे हैं गोपी तालाब। ब्लॉक करने में थोड़ा है ना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो चलो चलते हैं गोपी तालाब, आपको छोटा मोटा दिखाऊंगा, फिर हम मस्ती वस्ती करेंगे, वही आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा मेन। तो दोस्तों अभी हम गोपी तालाब आ गए हैं, हमारा गोपीनाथ जी का मंदिर है और ये हमारी राधा माँ बैठे हैं यहाँ पे। ये पुजारी जी बोले थे यहाँ पे रोज़ आती है, रोज़ खाना खाती है, पानी पीती है और इधर ही बैठी रहती है, घूम फिर के वापस यहाँ पे आती है। और देखो छोटी सी हो रही दूसरी, मस्त शांति है यहाँ पे, देखो कैसे मस्त बैठी है मंदिर पे। मज़ा आती है, क्यूट है एकदम। तो
तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। हम लोग मस्त पेड़ के नीचे छाए में बैठे हैं, पीछे गोपी तालाब और ये रहा सामने प्रशांत। 12:30 एक बजने वाला है, 2 मिनट में। और ये रहा सामने जो मेन मंदिर है गोपीनाथ भगवान का। तो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी है बस 15%। व्लॉग का क्या करेंगे भाई, बस भी 8 बजे की, तब तक वेले 8 बजे की बस है, तब तक हम लोग नवरे ही है। बेट द्वारका का ये बोल रहा है अब नहीं जाना इतनी धूप में, नखरे कर रहे, चलते हैं ना। चल भाई और दम, मैं तो चल हैं मेरे को क्या है, थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था। हम आ गए हैं खाना खाने, 120 में अनलिमिटेड खा लिया, 5 सब्जी, 1 देसी घी की रोटी, ऐसी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रही है। एसी जैसी ठंडी हवा है, वो तो आ नहीं रही है। तो टेबल है वहाँ पे, खाना खा लेते हैं। ये तो जब देखो तब फोन में लगा पड़ा है, क्या कर रहा है ऐसा तो फोन में, तू स्टोरियां डाल रहा है। तो दोस्तों हम वहाँ से वापस आ गए हैं और अभी कहाँ पे जा रहे, अभ्यास करो प्रशांत और वैभव। तो हम जा रहे हैं लाइट हाउस के ऊपर, लाइट हाउस देखते हैं, ऊपर से व्यू देखेंगे द्वारका का कैसा है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं लाइट हाउस के ऊपर और व्यू तो देखा, रहे चश्मा निकाल रहे। ये देखो द्वारका का कुछ व्यू, ऐसी है हमारी द्वारका, काना की द्वारका देख सकते हो आप कैसी है, पूरा समुद्र। बटकेश्वर महादेव के मंदिर पे ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी और हमने भी एंजॉय किया है, लास्ट दिन था तो एकदम खुल के एंजॉय किया। ये बैठे दोनों और ये देखो दरिया, हम उतर गए थे उसके ऊपर। दोस्तों हमने नहा लिया है, देख सकते हो हमने नहा लिया है, यहाँ पे खड़े थे और जोर की लहर उछली यहाँ पे, हम लोग इधर खड़े थे, देखना वापस उछलेगी, यहाँ देखना, देखियो आ रही आ रही। दोस्तों हम बैठ गए हैं बस में, एसी बस है बैम्बो के आगे, मैं प्रशांत यहाँ पे बैठ गए हैं। ऐसा कुछ है व्यू द्वारका के बस स्टैंड का, तो चलो बैठते हैं चलते आगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंद्रा, द्वारका से सीधा मुंद्रा लैंड हो गए, पता नहीं कैसे हो गए, बहुत जल्दी पहुंच गए, जिस हिसाब से हम गए थे उसे तो बहुत जल्दी पहुंचे, बहुत जल्दी पहुंचे। हम इतने परेशान हुए, सुबह को 3:30 बजे हम आदिपुर पहुँच गए थे, फिर वहाँ पर 1 घंटा बस अभी बैठे बस की राह देखी, फिर यहाँ मुंद्रा पहुँचे। और बड़ा इस ब्लॉग में पता है मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की है, हम इंजॉय करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, हमने ब्लॉगिंग को साइड में करा है थोड़ा बहुत जब टाइम मिला है। तो माफ़ी चाहता हूँ, कैसा लगा वो भी बता देना कमेंट में। तो चलो मिलते हैं और किसी ऐसे नए ब्लॉग में, तब तक के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।